नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी, सुजानगढ़ तहसील के आदर्श ग्राम लोहारा का दृश्य आपको दिखा रहा हूं। एक ऐसा कार्यक्रम आज आप देखेंगे जो निश्चित रूप से प्रेरणा देंगे। अगर किसी गांव में एक व्यक्ति जागरूक होता है तो गांव की कायाक पलट कैसे कर सकता है, मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ के भामाशाह रामू राम जी बेनीवाल ने इस गाँव की विद्यालय की तस्वीर बदल दी है। केवल विद्यालय का विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर जिस तरह के खेल मैदान तैयार किए गए वो देखकर आपको आश्चर्य होगा। क्योंकि एक व्यक्ति पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, कुछ भी बनेगा तो उसको कुछ लोग जानेंगे, लेकिन एक व्यक्ति पढ़ाई के साथ साथ खेल कर अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेगा तो नीरज चोपड़ा की तरह पूरी दुनिया उसको पहचान करेगी। छोटे छोटे गाँव में खेलों के प्रति जागरूकता का नज़ारा लोहारा से आपको दिखाऊँगा। ये राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसके पास में एक भूमि रामू राम जी के द्वारा प्रदान की गई है, जहाँ पर बहुत सुंदर खेल का मैदान तैयार किया गया है, जिसमें केवल एक मैदान, इधर इधर करें आप, ये आप देख रहे हैं तिरंगा जहाँ पर नज़र आ रहा है, वहाँ पर एक खेल मैदान तैयार किया गया है, जिसमें बास्केटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए, ट्रैक के लिए, जेवलिन थ्रो के लिए, डिस्कस थ्रो के लिए, हर तरह के मैदान तैयार किए गए हैं। आइए आपको वहाँ पर ले जाकर दिखाता हूँ कि कितने खूबसूरत तरीके से इनको बनाया गया है। स्कूल के बिल्कुल बगल में ये 3 बीघा ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है, रामू राम जी बेनीवाल के द्वारा प्रदान की गई है और उसमें सारी खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, जिसका उद्घाटन आज विधायक मनोज मेघवाल कर रहे हैं। जो आजकल सेना भर्ती के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, उनको मैदान ट्रैक चाहिए, वो भी तैयार किया गया है। अब मैं आपको सीधे अंदर लिए चल रहा हूँ। इतना सुंदर नज़ारा आप देखेंगे, यहाँ पर ये दो दीवार आप देख रहे हैं, इसके पीछे क्रिकेट का मैदान है और इधर मैं आपको लिए चलूँगा। ये आप देख रहे हैं, ये सारे खेल के मैदान हैं। यहाँ पर बास्केटबॉल का ट्रैक सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है, बास्केटबॉल का मैदान। उसके ठीक बगल में आप जो देख रहे हैं वो है वॉलीबॉल का, उसके बगल में आप जो देख रहे हैं वो है खो खो का। यानी जो प्रसिद्ध खेल हैं जो स्कूलों में खेले जाते हैं, उनके इतने सुंदर मैदान आपको इतने छोटे गाँव में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और पीछे आप जहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर जेवलिन थ्रो के लिए है, उसके अलावा ट्रैक जो बनाया गया है दौड़ के लिए, जो युवा आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक ट्रैक बनाया गया है, और इसके बगल में क्रिकेट का मैदान तैयार किया गया है। ग्राम लोहारा का दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूं, आदर्श ग्राम है। एक कहते हैं गांव में एक अच्छा व्यक्ति है वो पूरे गाँव की तस्वीर बदल सकता है, और अपने पैसे का जो सदुपयोग करते हैं वो गाँव के हीरो बन जाते हैं। आप रामू राम जी बेनीवाल हैं, जिन्होंने ये 3 बीघा ज़मीन, जब पर आप ये मैदान देख रहे हैं, पूरी ज़मीन आपके द्वारा प्रदान की गई है। इसके अलावा आप भामाशाहों को मोटिवेट भी करते रहते हैं अच्छे कार्य के लिए, और हर तरह की खेल सुविधाएं आपके द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। मैं सैल्यूट करता हूं गांव के इस युवा को, जिन्होंने निश्चित रूप से युवाओं को कितनी सुंदर खेल व्यवस्थाएँ उपलब्ध करवाई हैं। अच्छे अच्छे शहरों में ऐसे खेल के मैदान नहीं मिलते हैं जो लोहारा गाँव में आपके द्वारा भूमि प्रदान करके तैयार किए गए हैं। मेरे बगल में जो व्यक्ति खड़ा है, अगर हर गांव में एक ऐसा व्यक्ति बन जाए तो हर गांव की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। क्योंकि केवल लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन पढ़ाई से एक चीज़ और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि पढ़ाई से आप कुछ लोगों में अपनी पहचान बना सकते हैं, लेकिन खेल से आप पूरी दुनिया में पहचान बना सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बनाई है, विराट कोहली ने बनाई है, नीरज चोपड़ा ने बनाई है, देवेंद्र झाझड़िया ने बनाई है, पीटी उषा ने बनाई है, अनेक नाम है जिन्होंने खेल के माध्यम से गरीब परिवार से निकलकर पूरी दुनिया में अपने सफलता का परचम लहराया है। और ऐसे लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ अपने पैतृक गांव लोहारा को विकास के लिए संकल्प करने वाले युवा हमारे साथ है रामू राम जी, उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके जज्बे को नमन करता हूँ। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में कब आई कि मुझे गाँव के लिए इस तरफ करना चाहिए? नहीं, मेरे गाँव में थोड़ी सी पहले तो बच्चे नहीं थे, हमने शुरुआत करी आज से 5 साल पहले जी। सबसे पहले तो गेट बनाया जी, जो मेन प्रवेश द्वार है। हाँ हाँ। उसके बाद में इसको देखे कम से कम आज 7 का 8 गांव में ये ऐसे प्रवेश द्वार बन गए। उसके बाद मैंने सोचा कि जब शिक्षित होंगे ना तो सारी सुविधा हम अपने आप हासिल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि मेरा टारगेट ये कि जब हमने शुरुआत की थी यहाँ से तो मेरे पास 3 विद्यालय हैं। मैं सरकारी स्कूलों के लिए कईयों के काम करता हूँ, चरला के लिए भी करता हूँ, सरंग के लिए भी करता हूँ, आज मैंने बिलगा के लिए शुरू किया है। अच्छा, और अपने गांव के लिए 5 साल से कर रहा हूं। तो जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारे पास 225 बच्चे थे, 3 स्कूल है हमारे पास, और आज हमारे पास 700 बच्चे हैं जी। और हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल में 1000 नामांकन होना चाहिए हमारे गांव में। यानी बच्चों को सरकारी विद्यालय की तरफ प्रेरित करना चाहते हैं आप? बिल्कुल, सरकारी में आप ये देखो कि जब 16.5 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं रीट के, उसमें 30,000 बच्चे छंट के आएंगे, हम लोग उसकी महत्व नहीं समझते हैं, प्राइवेट के पीछे भागते हैं, वहाँ पे काबिल टीचर नहीं है फिर भी हम प्राइवेट के पीछे भाग रहे हैं।
जबकि आप ये समझो कि 16.5 लाख में से अगर 30,000 बच्चे छंट के आएंगे तो वो एकदम करीम छंट के आएंगे और उनके पढ़ाने का तरीका अलग होगा। थोड़ा बहुत गाँव वाले अगर ध्यान देंगे तो टीचर मेहनत करने को तैयार है, बिल्कुल मेहनत करने को तैयार है, लेकिन थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना चाहिए। हम उनको बोलते हैं कि आपको जो सुविधा चाहिए हम देंगे आपको, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। और हमारा विद्यालय पिछले 7 साल से 100% परिणाम देता है। क्या बात है। हाँ, और ये सबसे ऊंचा तिरंगा हमारा आगे लगाने का प्रोग्राम, अभी तो थोड़ा सा ये अभी नीचा है, 100 फुट का लगाने का प्रोग्राम है कि चूरू ज़िले का सबसे ऊंचा तिरंगा हमारे यहाँ होना चाहिए और हमारे जो विद्यालय है उसको देख के लोग प्रेरणा ले, ये हमारा टारगेट है कि भाई लोग आके देखें कि हाँ ये कैसे हुआ। मैं सरपंच को भी ये बोलता हूँ कि तुम देख के मत आओ, तुम्हें आके देखें क्या बात कि यार कैसे काम किया। और आज उसने सरपंच है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसने भी सारी बात मेरे से पूछता है, मैं उसको टोकता भी हूँ डांटता भी हूँ, उसको बाद में उसको शाबाशी भी अच्छे काम के लिए देता हूँ। और ये भी हमेशा हिदायत देता रहता हूँ सबको, अभी पार्टीबाजी विद्यालय में नहीं होनी चाहिए, अपने घर पे रखो पार्टीबाजी, गांव में रखो, लेकिन विद्यालय में पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। और सरपंच अच्छा काम कर रहा है, पिछले साल में देखो ये बास्केटबॉल का भी 10-12 खेल लेके आ गए। और ये टारगेट हमारा कि इसके कार्यकाल में जितने खेल है हमारे सबके सब सुविधा हम पैदा यहाँ प्रदान करेंगे। ये जैसे अभी बैडमिंटन ट्रैक वो कोर्ट का हमारा अगला प्रोग्राम है कि वो प्रोग्राम है। दूसरा मेरा ये है कि जो ये नई जो ज़मीन दी है इसके अंदर नई बिल्डिंग बने, पूरी की पूरी बिल्डिंग नहीं बने, जो पुरानी बिल्डिंग है वो ऐसे ही रहेगी। उसमें जो बाहर से जो आते हैं टीचर, जो उनको रहने की सुविधा असुविधा होती है गाँव में, तो वो उनके रिहाइश हो जाएगी। और जो नई वाली ज़मीन है उसमें पूरी की पूरी बिल्डिंग नहीं बनेगी, जिसमें सारे के सारे बड़े कमरे होंगे, हवादार कमरे होंगे, बच्चों के लिए सारी सुविधा होगी। आज मेरे विद्यालय में स्मार्ट क्लास है, आधुनिक टॉयलेट हैं, बच्चों के लिए फर्नीचर है और सारी सुविधा है, और सुविधा में कोई कमी नहीं है। और भी जो सुविधा चाहिए वो देंगे। मेरे दूसरा जो संस्कृति स्कूल है, शायद पहला सरकारी स्कूल जिसके दीवारों पर ग्रेनेड लगाए, आपने देखा होगा, और जो संस्कृति स्कूल उसके भी ग्रेनेड लगाए हमने लगाए। और ये जो नवीन लुवार है उसका भी गेट प्रस्तावित है, इसको भी मैंने गोद ले रखा है, अभी इसका फर्श का काम शुरू होने वाला है, उसका वो प्रस्ताव बना के भेजा है, जो गवर्नमेंट की जो जनसहभागिता इसकी 60-40 वाली उसमें उसका भी काम करवा रहे हैं। तो तीनों मेरे जो मेरा ये टारगेट होता है कि जो बच्चे आते हैं घर से उनको घर जैसी सुविधा होनी चाहिए, ये नहीं कि टूटे फूटे फर्श हैं, कहीं से टाइल उखड़ी हुई है, कहीं रंग रोगन खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में बच्चे को पढ़ाई का माहौल अच्छा मिलना चाहिए, तभी बच्चे पढ़ेंगे। बिल्कुल, नमन करता हूँ आपकी भावनाओं को। देखिए, तीन गांव के विद्यालयों को गोद ले रखा है और यहाँ की जो स्कूलें हैं संस्कृत विद्यालय में तो ग्रेनाइट दीवारों पर लगा रखे हैं और इसमें भी लगा रखा है, इसमें स्मार्ट क्लासेज हैं, अच्छी क्वालिटी के टॉयलेट्स वगैरह बनाए रखे हैं। मैं नमन करता हूँ रामू राम जी को और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आज देश को ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट के पीछे लोग भाग रहे हैं, जबकि बहुत सही कह रहे हैं कि जो ट्रेंड जो टीचर्स हैं वो जो बीएड करके अच्छी एग्ज़ाम देकर डीड से पास होकर आते हैं वो आपको पढ़ाएंगे तो आप अच्छा सीख पाएंगे। और प्राइवेट वाले तो आप जानते हैं कम पैसा देकर ऐसे जो टीचर्स को बुलाने का प्रयास करेंगे ताकि उनका लाभ ज़्यादा हो, लेकिन ये बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन रामू राम जी जैसे लोग सरकारी विद्यालयों को गोद लेकर उनमें लोगों को आकर्षित करें और ऐसे खेल सुविधाएं और ऐसे कमरे वगैरह मिलेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को सरकारी शिक्षा का महत्व का पता चलेगा। और निश्चित रूप से और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस यही है कि लोगों को बोलता हूँ कि आप गाँव के भी लोगों को बोलता हूँ कि कम से कम एक बार विद्यालय आकर ज़रूर देखें। मैं भी विद्यालय आता हूँ, कोई टीचर इधर घूमता है उनको पूछ भी लेता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, आपका पीरियड कौन सा है, मस्ती तो नहीं मार रहे हैं। मेरा रूटीन होता है, चाहे मैं एक दिन के लिए आओ, मेरा सुबह और शाम का विद्यालय आने का प्रोग्राम पक्का रहता है। गुरुजी यहाँ एक्स्ट्रा क्लास लगती है, रात को 11 बजे तक बच्चों को पढ़ाते हैं और सुबह 5 बजे उठाते हैं उनको, फिर 6:30 बजे तक फिर पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चे घर जाते हैं। और जो लड़कियाँ हैं वो जैसे सुबह 7 बजे आती है तो उनको शाम को 7 बजे तक रोकते हैं, यहाँ पर जिनका बोर्ड है उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगती है और उसके बाद 7 बजे गुरुजी खुद प्रिंसिपल साहब हमारे वो छोड़ के आते हैं गाँव तक बच्चियों को, और लड़कों को खाना खा के वापस रात को यहीं आना होता है और रात को 11 बजे तक पढ़ाई होती है। वो भी चेक करने आता हूँ मैं कि गुरुजी रात को 11 बजे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, रात को आके भी चेक करता हूँ और सुबह 4 बजे आके चेक करता हूँ कि बच्चे उठे हैं, गुरुजी ऐसे ही बोल रहे हैं कि पढ़ाई करवा रहे हैं। क्या वो भी उस विद्यालय का रिजल्ट 100% क्यों नहीं रहेगा। और निश्चित रूप से भाग्यशाली है लुवारा गांव जहां पर रामराम जी से लोग हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपने जज्बे के साथ काम करें ताकि सरकारी विद्यालयों की महत्वता का लोगों को पता चले और हमारा देश हमारा राजस्थान आगे बढ़े। ये देखिए सरकारी विद्यालय की दीवारों पर ग्रेनाइट लगा हुआ है और ये जन सहभागिता से हैं,
ऐसा सुंदर विद्यालय आपको देखने को नहीं मिलेगा। और राम राम जी चाहते हैं कि इससे सुंदर भवन बने और ये विद्यालय जो है टीचर्स के रहने के लिए काम आए। देखिए डेकोरेट, देखिए विद्यालय में झंडे भी लगाए गए थे विधायक पहुँचे उस समय। देखिए विद्यालय प्रांगण को तिरंगों से सजाए गए हैं। बहुत ही सुंदर विद्यालय है लोहारा का। ये नवीन लोहारा स्कूल है। ये सभी स्कूलें रामूराम जी के द्वारा गोद ली गई हैं और बहुत खूबसूरती इनमें है, बहुत सफाई है। और रामू जी बता रहे हैं कि सारे फर्श हैं इनको तोड़कर ग्रेनाइट और मार्बल जैसे फर्श का निर्माण किया जाएगा। एक एक विद्यालय का लगातार अवलोकन करते हैं, शिक्षा कैसी हो रही है, व्यवस्थाएं कैसी है, सब देखते रहते हैं जब भी आते हैं लोहारा। इस विद्यालय की बात कर रहे थे कि दीवारों पर ग्रेनाइट लगा है, वो संस्कृत विद्यालय है लोहारा गांव का। और मुझे जब उन्होंने बताया तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिन सरकारी विद्यालय में पढ़ा था वहाँ पर झोंपड़े तक थे उस समय, आज से लगभग 30 साल पहले। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय है। और केवल पेड़ नहीं लगे, जागरूकता की मिसाल देखिए, ये देखिए, यह बाकायदा अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट। इस विद्यालय की जो दीवारें हैं वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि राजस्थान में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जिस गांव में रामूराम जी बेनीवाल जैसे जागरूक लोग होते हैं वहां पर कुछ भी हो सकता है। वो सुबह 4 बजे उठकर शाम को 7 बजे, रात को 11 बजे तक जाकर विद्यालय में देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। ऐसे गाँव के लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर विकास क्यों नहीं होगा। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ रामूराम जी को, जिन्होंने इस तरह के सरकारी विद्यालयों को विकसित गांव में किया है। केवल अपने गांव में नहीं, 2-3 गांव के विद्यालयों को गोद ले रखा है और इस तरह से सरकारी विद्यालयों का विकास कर रहे हैं ताकि लोगों का सरकारी विद्यालयों के प्रति प्रेम जगे और अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले, जिस शिक्षा पर बच्चों का अधिकार है। देखिए बिल्कुल ये दीवारें ग्रेनाइट की है और ये सरकारी संस्कृत विद्यालय है लोहारा गाँव का। और ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये रामूराम जी बेनीवाल के द्वारा ही बनाया गया है, जन सहभागिता से बनवाए गए हैं। और आपका हमेशा प्रयास रहता है कि सरकारी विद्यालयों का विकास हो और लोगों का जो रुझान है सरकारी विद्यालयों की तरफ पढ़े, ताकि अच्छी शिक्षा कम पैसे में लोगों को मिले। विधायक मनोज मेघवाल फीता काट कर उद्घाटन करें इस अवसर पर, पुसाराम जी गुजारा, विद्याधर जी बेनीवाल, गाँव के सरपंच साहब और अनेक लोग उपस्थित हैं। लोहारा गांव में खेल मैदान का उद्घाटन किया जा रहा है इस विद्यालय में। नज़ारा देखिए, पूरा गांव उपस्थित है। अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं लोहारा गांव से। पीछे का नज़ारा देखिए, कितनी भीड़ है, पूरा गांव उमड़ पड़ा है। हर तरह के खेलों की सुविधा आप देख रहे हैं। बाधा दौड़ के लिए ये ट्रैक बना है। शानदार नज़ारा आप लोहारा गांव से देख रहे हैं। ये ऊंची कूद का मैदान है। विधायक जी को बताया जा रहा है, पूरी जानकारी दी जा रही है। दृश्य देखिए आप, ऊंची कूद का खेल मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे गद्दे लगे हैं। विधायक जी को पूरी जानकारी दी जा रही है। वॉलीबॉल मैदान, देखिए क्या नज़ारा है। ये देखिए क्रिकेट का मैदान, खूबसूरत पिच बनाए गए हैं। उत्साह देखिए लोगों का, पूरा गांव उपस्थित है यहाँ पर। ये तस्त्री फेंक मैदान, तस्त्री आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है विधायक जी को। सुजानगढ़ तहसील के लोहारा गांव का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये मैदान बनाए गए हैं। निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है ग्रामवासियों के द्वारा प्रयासों से जो किया गया है। वर्तमान में देश का सबसे लोकप्रिय खेल है, जिसमें आप सबको पता है कि स्वर्ण पदक जीता था भारत ने जेवलिन थ्रो, जो कि अभी सबसे लोकप्रिय खेल है। ये देख मनोज जी के हाथ में ये जेवलिन है, किस तरह से फेंका जाता है ये बताया जा रहा है। भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता इसी खेल में, नीरज चोपड़ा ने। और अगर पैरा ओलंपिक की बात करें तो देवेंद्र झाझड़िया ने अनेक पदक जीते हैं, स्वर्ण, रजत सहित।
उस खेल के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इसकी तैयारी भी लोहरा गांव में की गई है और विधायक जी को बताया जा रहा है। यहां पर क्रिकेट के मैदान पर सभी पहुंच चुके हैं और जब क्रिकेट का बल्ला देखते हैं तो सभी का मन चलता है। क्रिकेट से उद्घाटन हो रहा है अब यहाँ पर। पुष्पा राम जी गोदारा के हाथ में बल्ला आप देख रहे हैं। राज्य करने के लिए जा रहे हैं मनोज मेघवाल विधायक सुजानगढ़, जो कि अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। मैं खुद खेल चुका हूँ आपके साथ क्रिकेट। गेंदबाजी के लिए तैयार हैं विधायक मनोज मेघवाल, गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। उनका सामना करेंगे पुष्पाराम गोदारा, पूर्व प्रधान। मनोज मेघवाल चले गेंद करने के लिए और निकाल दिया है पुष्पाराम जी ने इसको स्कूप करके। शानदार दृश्य था, देख रहे हैं एक आदर्श ग्राम जिन्होंने खेल में एक ऐसा जज्बा दिखाया है। ऐसा लग रहा है कि अगर राजस्थान में खिलाड़ी तैयार होंगे तो लोहरा होंगे। आपने देखा यहाँ पर बास्केटबॉल का मैदान बनाया गया, वॉलीबॉल का मैदान गया, जेवलिन थ्रो का मैदान बनाया गया है, डिस्कस थ्रो का मैदान तैयार किया गया है, ऊंची कूद के लिए, बाधा दौड़ के लिए सब कुछ मैदान यहाँ पर गाँववासियों के द्वारा तैयार किए गए हैं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और विधायक मनोज मेघवाल इनका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। जैसे ही क्रिकेट का मैदान देखा मनोज जी ने बल्ला थाम लिया, क्योंकि आप बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं बल्ले के साथ यहाँ पर अपने हाथ दिखाने के लिए विधायक जी तैयार है। लोहरा गांव का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल अब बल्ला लेकर खेलने के लिए तैयार हुए हैं और ग्लांस कर दिया गया इनको खूबसूरती के साथ। लोहरा गाँव का दृश्य आप देख रहे हैं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। खेल मैदानों का उद्घाटन, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल कोर्ट और सीसी रनिंग ट्रैक का उद्घाटन विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है। द्वारा का राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुल्हन की तरह सजाओ आप देख रहे हैं। तिरंगों से सजाए गए हैं पूरे विद्यालय प्रांगण को। ऐतिहासिक अवसर है द्वारा के लिए। अनेक कार्यों का उद्घाटन करने के लिए विधायक पहुँचे हैं और अब आप देख रहे हैं विधायक जी के स्वागत में बालिकाएँ पुष्पों के थाल लेकर खड़ी हैं। बहुत ही सुंदर अंदाज है स्वागत सम्मान का। छात्र छात्राएं दोनों तरफ आप देख रहे हैं खड़े हैं। विधायक महोदय का भव्य स्वागत विद्यालय प्रांगण में बालिकाओं के द्वारा पुष्प वर्षा के साथ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ विद्यालय की बालिकाएं विधायक जी पे पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। शानदार अंदाज है ये स्वागत का। विद्यालय क्रमोन्नत का उद्घाटन होगा। जैसे सीनियर में विद्यालय क्रमोन्नत हुआ मास्टर मोहलाजी मेघवाल के प्रयासों से और उनके पुत्र विनोद मेघवाल अब इसका उद्घाटन कर रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहरा नव क्रमोन्नत विद्यालय का उद्घाटन करते हुए विधायक मनोज मेघवाल। लोहरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। ऐतिहासिक अवसर है गांव के लिए। वो हमारे स्कूल के अंदर पधार चुके हैं, इसलिए हमें राजस्थानी परंपरा के मुताबिक सबसे पहले हम ब्याह शादी हमारे यहाँ राजस्थानी परंपरा के मुताबिक अतिथियों की स्थापना होती है, इसलिए सबसे पहले आए और अपना स्थान ग्रहण करें श्री अन्य सिंह जी। निश्चित रूप से इस व्यक्ति का आभार पूरा गांव व्यक्त करता है और अब देखिए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तमाम अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। शारदा का पूजन किया जा रहा है चूंकि विद्यालय प्रांगण है। अतिथिगण माँ शारदा के पूजन कर रहे हैं। आदर्श काम लोहरा का दृश्य आप देख रहे हैं। माँ सरस्वती का पूजन एक झांकी के माध्यम से स्कूल की बालिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम द्वारा में आयोजित हो रहा है।
वैदिक परंपरा से अतिथियों का सम्मान दिल का से हो रहा है। दिलगार के अंदर सबसे पहले स्कूल के प्रधान वैदिक पद्धति से सभी का तिलकार्चन से सबसे पहले स्वागत किया जा रहा है बालिकाओं के द्वारा। मनोज जी मेघवाल को विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा तिलक किया जा रहा है। रामू राम जी का तिलकार्चन से सम्मान किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है बालिकाओं के द्वारा। पुष्पहार से सम्मान किया जा रहा है विधायक महोदय का। अगली गली के अंदर ज्ञान बान और पुषा राम जी गोदारा का सम्मान हो रहा है। श्री रामू राम जी बेनीवाल का मामा रामू राम जी हमारे स्कूल के बेनीवाल का सम्मान हो रहा है। गाँव के श्री नूतन जी स्वामी और अब सापा पहनाकर सम्मान किया जा रहा है रामू राम जी का। अगली कड़ी के अंदर सबसे बड़ा योगदान इस व्यक्ति का है सारे कार्य में माला पहनाकर स्वागत करें। श्री भाषा से पधारे अंकित जी पुजारी का सम्मान किया जा रहा है जो कि जिलाध्यक्ष मोहनलाल जी पुजारी के पुत्र हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में मंच रणजीत सिंह जी और सरपंच साहब सम्मान कर रहे हैं उनका माला पहनाकर रणजीत सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। वीरादर जी बेनीवाल का सम्मान किया जा रहा है। गांव के जानकारी मामा साहब रामू राम जी का विशेष सम्मान ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। सरपंच साहब आप देख रहे हैं सबसे पहले पुष्पमाला पहनाकर प्रसिद्ध भामाशाह रामू राम जी का सम्मान कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, एक आदर्श प्रस्तुत किया रामू राम जी ने। और विधायक महोदय आप देख रहे हैं साफा पहनाकर भामाशाह रामू राम जी का साथ में बलराम जी पुष्पा राम जी और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। अभिनंदन हमारे स्कूल के बामा सर श्री राम राम जी बेनीवाल का स्वागत कर रहे हैं। साफा पहनाकर के माला जा रहा है, पहनाकर के स्वागत कर रहे हैं। ग्राम पंचायत देखिए रामू राम जी पंचायत समिति फिर से मैंने उठने की हमारे अतिथियों के द्वारा अभिनंदन पत्र भेंट करके सम्मान किया जा रहा है। पुषा राम जी गोदारा को अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है। रामू राम जी का अभिनंदन पत्र भेंट करके सम्मान किया जा रहा है। अभिनंदन पत्र सॉरी पहले सम्मान पत्र भेंट किया गया था जी पुजारी का सम्मान किया जा रहा है। अभिनंदन पत्र भेंट करके अभिनंदन पत्र अतिथियों का सम्मान अभिनंदन पत्र भेंट करके किया जा रहा है। गांव से पधारे हुए सभी मेहमान
छात्री विद्यार्थियों, विद्वान साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में इतनी महान हस्तियां यहां आई हैं, उपस्थित हुई हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। विदायगी से मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। वैसे मैंने आपको एप्लीकेशन दे दी है, दो काम मुख्य हैं। विद्यालय भवन है वो अपर्याप्त है, बहुत ही छोटे कमरे हैं और स्टाफ की काफ़ी कमी है, यानी 5 आदमी और 7 क्लास, भारी दिक्कत है। फिर विषय अध्यापक जो मुख्य जो सब्जेक्ट हैं उनकी कमी है। आपसे निवेदन है कि जो APO हैं उनमें से यहाँ कोई एडजस्ट करवा दें। UDIS में हमने विद्यालय का एक ही कमरा दर्शाया है। विद्याधर जी को मैंने बार बार बता दिया था, लूण जी को भी और रेखा राम जी को भी मैंने बताया था कि इस प्रकार से है ये, इसमें आप रमसा से या जहाँ कहीं से भी हो, आपके विधायक कोटे से कैसे भी हो, इसकी पूर्ति करवाओ। भवन है ना, वो पाए पर्याप्त है। नरेंद्र जी बैनीवाल को जब मैं आया 9 जनवरी 2021 को, तो उस समय इनसे एक ही निवेदन किया था कि जब तक मैं रहूं और आप रहो तब तक काम नहीं रुकना चाहिए। तो विधायक जी आपसे भी बस एक ही निवेदन है कि जब तक मैं रहूं और आप विधायक रहें तब तक यहाँ कुछ ना कुछ काम करवाते रहो, इतना ही है निवेदन। चाहे इसमें सारा सार ही है, चाहे हमारा कोई स्टाफ की समस्या हो, चाहे कोई भवन की समस्या हो, आप जानो, आपका काम जाने, कैसे भी करवाओ, कहीं से भी करवाओ। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और भाषण वाषण तो देखो मेरे को देना आता नहीं है। विधायक जी भाषण तो देना आता नहीं है, इतना ये जो गुरु जी ने बोला है वो डिमांड पूरी होनी चाहिए। हमारा टारगेट है अगले 2 साल में 1000 नामांकन का, तीनों स्कूलों में। हाँ, तीनों स्कूलों में 1000 नामांकन का टारगेट है, वो जब आप सहयोग करोगे तभी होगा। संस्कृत स्कूल में सिर्फ 2 टीचर है, 150 बच्चे हैं, 2 टीचर है। हमने 5 साल पहले शुरुआत करी थी जब हमारे पास तीनों स्कूलों में 225 बच्चे थे, आज हमारे पास 700 बच्चे हैं और अगले 2 साल में 1000 का टारगेट है, वो हम पूरा कर लेंगे। लेकिन उसके लिए जो कमरे हैं उसमें 20 बच्चे बैठने की व्यवस्था है, 40-40 बच्चे हो गए, वो आपको देखना है। आपके पिताजी ने इसको सेकेंडरी करवाई, आपके पिताजी ने इसको सीनियर सेकेंडरी करवाई, अब उनकी लाज रखना आपका काम है। अब देख लो, इतना ही कहना आपसे, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना, और मंत्री जी ध्यान रखते थे इसलिए फिर से आपको याद दिला गया। अगले कड़ी के अंदर माँ भारती के शीर्ष चरणों में नमन करते हुए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, लोहारा की इस पावन धरा पर पधारे हुए विशेष तौर से हमारे हर दिल अजीज विधायक, जन जन के नेता मास्टर बावला जी मेघवाल साहब के सुपुत्र श्रीमान मनोज जी मेघवाल साहब, पूर्व प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़ पूसाराम जी गोदारा साहब, भाई अंकित पुजारी, रणजीत सिंह जी श्यामर, विद्याधर जी बेनीवाल और मेरे तमाम आए हुए सरपंच साथियों, ग्राम लोहारा सारंगसर आसपास से पधारे हुए परम सम्माननीय बुजुर्गजनों, युवा क्रांतिकारी साथियों, छात्र तरुणाई के रूप में विराजमान प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका ग्राम पंचायत लोहारा की ओर से, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारा की ओर से और हमारे युवा शिक्षाविद युवा भामाशाह श्रीमान रामूराम जी बेनीवाल की ओर से इस लोहारा की पावन धरा पर मां सरस्वती के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले यहां मनोज जी सबसे पहले यहां विजिट करने आए हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय मास्टर बावला जी मेघवाल साहब ने इस स्कूल के अंदर हमेशा ध्यान रखा, एक आशा एक विश्वास आपको
लगभग 40,000 वोटों से हमने चुनाव जिताया है और हम आपसे आशा व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार से जन जन के नेता मास्टर बावला जी मेघवाल साहब हमारे विद्यालय का ध्यान रखते थे उसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज आप सब मानवों के सामने इस विद्यालय के खेल मैदान का उद्घाटन आपके कर कमलों के द्वारा हुआ। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं इस लुहारा की परम सम्माननीय जनता का, क्रांतिकारी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज से लगभग 1.5-2 साल पहले आप लोगों ने मेरे को चुनाव जिताया और सबसे ज्यादा मेरे क्रांतिकारी युवा साथियों का एक वादा था कि आपको हम सरपंच जरूर बनाएंगे लेकिन आपका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि आप हमें खेल मैदान बनाकर दोगे। मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर से मेरे पिता श्री विद्याधर जी बेनीवाल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पल पल पर जो भी मैंने मांग की, जो भी मैंने प्रस्ताव रखे उसका उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और खुले दिल से मुझे काम करने का मौका दिया। साथ ही साथ मैं मेरे काका श्री और यहाँ के युवा भामाशाह श्रीमान रामू राम जी बेनीवाल का की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसा समय नहीं गया जब वो शाम को मेरे से बात नहीं करते हो और सिर्फ उनके दिमाग में एक ही चीज शिक्षा के प्रति क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं रामू राम जी बेनीवाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके मार्गदर्शन से इस शाला के समस्त द्रोणाचार्यों के मार्गदर्शन से, मेरे पिताश्री के मार्गदर्शन से और परम सम्माननीय जनता के आशीर्वाद से और सबके सहयोग से शानदार खेल मैदान यहाँ पर सभी के सहयोग से बनकर तैयार हुआ है। आज समय की मांग है कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद बहुत जरूरी है और उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव जीतने के बाद हम सब ने मिलकर, पूरी ग्राम पंचायत के लोगों ने मिलकर, यहाँ के आदरणीय द्रोणाचार्य महोदयों ने मिलकर, रामू राम जी ने मिलकर, विद्याधर जी बेनीवाल ने मिलकर और सारे लोगों ने मिलकर एक एक राय दी और एक एक मार्गदर्शन के तौर पर आज खेल ग्राउंड तैयार हुआ और सबका, जिनका भी इनमें सहयोग रहा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज समय के साथ हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी एक किंवदंती बन चुकी है कि हम शिक्षा को महत्व देते हैं लेकिन शिक्षा के साथ साथ खेलकूद को महत्व देना भी बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं इस आजाद भारत के अंदर खिलाड़ियों के भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे हम कृष्णा पूनिया की बात कर ले, चाहे देवेंद्र जाजड़िया की बात कर ले, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात कर ले, चाहे विराट कोहली की बात कर ले, चाहे पीटी उषा की बात कर ले, चाहे कृष्णा नागर की बात कर ले, चाहे नीरज चोपड़ा की बात कर ले, चाहे मीराबाई चानू की बात कर ले, ये तमाम ऐसे हस्तियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आन बान और शान तिरंगे को ऊंचा रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज आप सब सहयोग करें और आने वाले समय के अंदर हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि चुरू जिले के अंदर नंबर वन यह विद्यालय बनकर रहे। इस का उद्घाटन समारोह खेल मैदान जो नए स्वरूप से विकसित कर रामू राम जी बेनीवाल जो भामाशाह है और शिक्षा और खेल के प्रति रुचि रखने वाले रामू राम जी ने ये 3 बीघा जमीन स्कूल को उपलब्ध कराई, इनको मैं बहुत हृदय की गहराइयों से, इस प्रकार के समाज के व्यक्ति जिसका समाज के उत्थान के लिए जिस प्रकार से काम किया है, इसलिए उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सम्माननीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक भाई मनोज जी मेघवाल, शुभ है कि ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज आपको माननीय विधायक जी द्वारा आपको समर्पित किया जा रहा है। ये स्कूल हमारे दिवंगत मंत्री माननीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल के
कर कमलों से स्वीकृत हुई थी और उसके बाद ये लगातार चली परिस्थितियां कई बीच में आई, उनसे उद्घाटन नहीं कर पाए वो। इसलिए मैं उस दिवंगत आत्मा को माननीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल साहब जो विकास पुरुष के नाम से थे उनको मैं हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको जो आज स्कूल समर्पित किए सीनियर सेकेंडरी, ये आगे चलकर शिक्षा और खेल जगत में जिले में नाम अपना स्थान कायम करे, राजस्थान में करे। आपका सरपंच बहुत जोशीला भाषण दे रहा था, प्रेम से, भाईचारे से और इसके साथ साथ स्वास्थ्य से, और हमारी राजस्थान की सरकार जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च शिक्षा जगत पर कर रही है, हालांकि फिर भी स्टाफ की कमी है, कमरों की कमी है। स्कूल कैडर के मुताबिक माननीय विधायक जी कमरे नहीं है, बात सही है कह रहे हैं, इनको आपको स्टाफ को और स्कूल कमरों को प्राथमिकता से लेना चाहिए। अभी जनप्रतिनिधि और प्राय प्राय लोग आए हुए हैं, इनको भी प्रेरणा लेकर शिक्षा जगत में और खेल जगत में अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गाँव में, अपने पंचायतों में इस प्रकार के गेम्स को और शिक्षा को डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए। आप दिल करते हुए इस गांव को, विशेष रूप से गांव के विद्यार्थियों को इतनी बड़ी सौगात दी, खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्ध कराई, विद्यार्थी जी बता रहे थे वो भी खरीद के इन्होंने, खरीद करके इन्होंने स्कूल को दी है, ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में हर कोई ये नहीं कर सकता, मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, कितनी बड़ी सौगात इस गाँव को दी है। आज का दिन ऐसा है कि सुबह से प्रोग्राम कर रहे हैं, दोनों प्रोग्रामों में ही दानदाताओं के सहयोग से हुए। अभी सुजानगढ़ में मांडेता में हम पीएससी का शिलान्यास करके आए हैं, उसके लिए भी दानजी भुगालिया ने अपनी बेस कमेटी जमीन, शहर की जमीन आप जानते हो कितनी महंगी होती है, वो जमीन पीएससी के लिए दान की है और जिसपे पीएससी अब वहाँ बनेगी। और आज यहाँ भी हम जो दूसरा प्रोग्राम आए वहाँ भी रामू राम जी ने अपनी जमीन दान करके खेल मैदान उपलब्ध कराया है, दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक प्रोग्रामों का सवाल है, आज के प्रोग्रामों में ज्यादा भूमिका मेरे पिताजी की रही है, स्कूल वही जाते जाते स्वीकृत करा गए, ये बात अलग है कि आज उद्घाटन हम कर रहे हैं। बीच में डेढ़ साल कोरोना का काल की वजह से विद्यालय बंद थे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, स्कूल खुले हुए नहीं थे, इसलिए उद्घाटन में थोड़ी सी देरी हुई, पर वो जाते जाते इस गांव को ये सौगात दे गए, विद्यालय को जो सबसे ऊपर सीनियर तक ही होता है वो ये क्रमोन्नत आपके लिए कर गए। समय कम है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए एक ही बात कहूँगा, सबसे बड़ी बात आ रही है कि स्कूल तो क्रमोन्नत करा दिया, पर अब स्कूल क्रमोन्नत हो गया तो कक्षाएं बढ़ गई तो उसके लिए कमरे चाहिए। हालांकि मैं न कहीं आश्वासन देता न कहीं घोषणा करता, पर यह विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में इसकी कमी नहीं होगी, कमरों की व्यवस्था भी आपकी कर दी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। स्कूल के अध्यापकों की कमी है, जरूर थोड़ी कमी हुई है, ट्रांसफरों की वजह से भी कुछ गए हैं, तो कुछ अभी नई भर्ती हो रही है उससे आएंगे, कुछ और व्यवस्था करेंगे, पर ये तो आना जाना रहता है। पर कमरों की जहाँ तक बात है, जो एक स्थायी काम है, आज विद्यालय सीनियर हो गया वो स्थायी अब सीनियर ही रहना है, और कमरों की व्यवस्था बहुत जल्दी हम करा देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बाकी आपने इतना सुंदर कार्यक्रम किया, स्कूल के विद्यार्थियों ने सुंदर प्रस्तुति दी, और ये सब तभी है कि जब संख्या हो, यहाँ जो टीचर्स हैं वो मेहनत करें, पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ भी कराएं, खेलकूद गतिविधियाँ भी, जैसा कि सरपंच जी बता रहे थे, लोग यहाँ के विद्यार्थियों में, यहाँ के बच्चों में बहुत जुनून है उसके लिए, जिसके लिए आज भामाशाह ने आगे आके जमीन भी उपलब्ध कराई है, उसके लिए पूरे साधन भी वहाँ पंचायत की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका अभी हमने उद्घाटन किया है। हर जो खेल है जिसकी व्यवस्था होनी चाहिए आज वहाँ हुई है, बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी व्यवस्था किए रहे हैं,
सारा जो काम स्कूल की तरफ हो रहा है उसके लिए भी मैं प्रधानाचार्य जी और स्कूल के जो स्टाफ हैं जितने भी उनको मैं धन्यवाद देता हूं उनको। बाकी आप लोगों ने इतनी संख्या में उपस्थित कार्यक्रम की जो शोभा बधाई उसके लिए भी आप पधारे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, हमारा मान और सम्मान किया उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। राम राम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है विधायक जी के द्वारा। हेलो हेलो, लोहारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण यहां पर किया गया है। बहुत सुंदर अदमकद मूर्ति लगाई गई है जिसका उद्घाटन सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल, पुसाराम जी गोदारा, विद्याधर जी बेनीवाल, अंकित जी पुजारी, अनेक नेता और यहां के सरपंच के द्वारा किया गया है। और अब पुष्पहार अर्पित करके बाबा साहब जी का सम्मान भी किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है लोहारा गाँव में। विधायक मनोज मेघवाल, पुसाराम जी, दादा जी बेनीवाल, बहुत ही सुंदर मूर्ति, आदमकद मूर्ति का अनावरण किया गया है द्वारा गांव में। द्वारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। सभी पुष्पहार अर्पित कर रहे हैं और साहब को अम्बेडकर युवा मंच के सुजन्य से मूर्ति स्थापित की गई है। शिलापट का अनावरण किया जा रहा है विधायक जी के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा में स्थापित की गई है। अम्बेडकर युवा मंच के सदस्यगण भी मालाएं अर्पित कर रहे हैं। जय भीम, जय भीम। विधायक मनोज जी मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है। पुजारी जी का सम्मान हो रहा है अंकित जी का। आगे के और बाबा साहेब गजेंद्र जी स्वामी और जी द्वारा में भीमराव अम्बेडकर मूर्ति अनावरण समारोह का दृश्य देख रहे हैं। भूराराम जी नायक, दानाराम जी बेनीवाल, वे माथ सिंह जी सांगरा, श्रीमान नत्थु सिंह जी, ठोकर जी की जगह रामपाल जी की जगह कल जी आ जाए। जन प्रत्येक गणों का सम्मान हो रहा है। इसमें सरपंच डॉक्टर साहब का सम्मान किया जा रहा है। रूपाराम जी कसवा जो कल सरपंच प्रतिनिधि रूपाराम जी कसवा का सम्मान हो रहा है। स्वागत करने के लिए जिला सरपंच मनसुख जी गोदारा का सम्मान हो रहा है। गोदाराम जी का सम्मान हो रहा है। पूर्व सरपंच उनका भी यहाँ स्वागत है आपकी तरफ से। तो थारे गांव का विकास में कोई रोकने वाला नहीं है। आप लोगों ने अव्यवस्था थाने रखनी है। मैं तो गांव के कार्यकर्ता और नेताओं पर सारो काम छोड़ दियो, मैं तो गांव के मां बहुत कम आऊ। मैं जो तो भी प्रोग्राम हुआ है गांव के मिनखा मिलना आप रो मत ही करियो है। मैं तो आप लोगों के मेहमाना के सागा हूँ, सारी व्यवस्था करनी। एक जवान कार्यकर्ता है जगह सर्व समाज का कार्यकर्ता है, कोई एक समाज का कार्यकर्ता नहीं है। वे सगड़ा जवान कार्यकर्ता आपकी व्यवस्था करे, आपको काम करे और मन जो बोढ़ावे मारा जो हो सके जो काम है। विधायक जी ने निवेदन कर दू कि मारे गांव में एक छोटो मोटो काम है वो करा दी। मारो कहने को मतलब वो है कई गांव के माए आज जो स्कूल के मैदान को काम जो कर रहे हैं वो भी आलोगा की देन है। आलोगा मन कहो कि स्कूल के माए ने भेजा चावा वे सारा काम मैं आप लोगों के कराने की कोशिश करी। इसके बाद भी अब एक छोटो सो काम भारो विधायक महोदय एक निवेदन है आप लोगों के सामने। मारी एक मानसिकता है, मारी एक इच्छा है कि एक छोटो सो भवन इस समाज को बन जाता कि यार ब्याह और शादी में आवे जना कोई जगह बन जाए। सामान्य मन विधायक महोदय हमारे गांव का इन समाज का लोग मैं आज तक
छह चुनाव लड़े, छह चुनाव में एक तरफ हारी है, कदे एक आदमी लारक होती नहीं, कदे विधानसभा में पीछे हटे, न कदे लोकसभा में हटे, और नहीं मारे पंचायत के चुनाव में हटेड़ा। आज तक मैं 1995 में चुनाव लड़नू शुरू करया, जके दिनों लेर आज दिन पूरो को पूरा समाज मन वोट देवा, मन वोट दिया, और पार्टी के जगह कार्यकर्ता तिगाड़ा उठावा, अरे लोग वोट दे की बात कर ले, और मारे मन में आत्मा में एक इच्छा जागृत हुई कहीं समाज के वास्ते, गरीब समाज है, बड़ो समाज है, कोई के घरारे माए ने जान बरात उतारने, पावन ऊपर सिंह उतारने की जगह है नहीं, की वास्ते एक छोटी सी जगह बढ़ा दिया, और आ लोगा की व्यवस्था हो जा, और व्यवस्था बारी माननी है कि होनी भी चाहिए। अगर पंचायत का कोई हेड में होता तो मैं आप लोगों को निवेदन नहीं करता, पंचायत के सामुदायिक भवन के नाम अगर कोई हेड आप गिरा सको, प्रधान जी भी पंचायत राज का पूरा जानकार है, गिरा सको तो पंचायत हेड रूपे ले दो, और पंचायत हेड आप नहीं गिरा सको तो मारो आप निवेदन है कि विधायक महोदय, गांव बहुत विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ो है, मैं अति बड़ी मांग को नहीं करूँ कि सगड़ा पैसा थे लुआ रही लगा दू, लेकिन आ लोगों के समाज के वास्ते एक छोटे से सामुदायिक भवन अम्बेडकर साहब के नाम से, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के नाम से एक सामुदायिक भवन में लोग बनाने चाहवा, आ लोगों की इच्छा है और मारी भी आ इच्छा है, तो इन वास्ते मैं आप लोगों को निवेदन करूँ, आप सगड़ा के सामने करूँ विधायक महोदय के गांव के कुआड़ के माइन मन और भाषण देने की जरूरत नहीं है, मैं तो थाने जकी याद ही मन जकी गिनाती, और जकी मन आगे जकी मारी इच्छा है आम लोगों की, जकी मैं आप लोगों के सामने जाहिर कर रही हूँ। थिएटर में आया जकान उसे मान सम्मान करियो, शांतिपूर्ण तरीके सारो प्रोग्राम कर लियो, भी के लिए मैं पूरे गांव के लोगों ने भी बात को धन्यवाद दूं कि ते शांतिपूर्ण तरीके अतो लमो चोड़ो प्रोग्राम राख अता दिन तक व्यवस्था ने तला, और थे लोगों ने की आज व्यवस्था थी, भी के लिए आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत खुशी है कि हमारे देश को आजाद कराने वाली शख्सियतों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक विशेष स्थान है, जिनको आज संविधान निर्माता के रूप में पूरा देश और पूरा संसार मानता है। वो 36 कौम के नेता थे, दलित वर्ग लोकतंत्र में क्या होता है कि चाहे वो दलित वर्ग हो चाहे सबल वर्ग हो, वो सम्मान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और हमारे संविधान में बाबा साहब ने सभी वर्गों को सम्मान अधिकार देने की वकालत की, और उन्होंने उसी अनुरूप संविधान का निर्माण किया। वास्तव में लोकतंत्र जब से देश में शुरू हुआ, देश आजाद हुआ, उसके बाद जो संविधान बनाया, उस संविधान के तहत ही आज ये देश चल रहा है, देश उस कानून के तेज चल रहा है जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अहम भूमिका थी। आरक्षण देना कोई जातिवाद का आधार नहीं होता है, आरक्षण उस तबके को दिया जाता है जो तबका कमजोर है, उछला हुआ है, और उसको आगे बढ़ाना है, उसको समानता का अधिकार देना है, बराबर का दर्जा देना है। वो सोच हमारे देश के बहुत से नेताओं की थी, जिसमें बाबा साहब भी शामिल थे, कि भी यह लोग जो हमारे लोकतंत्र में प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार हो, सबको अपना अभिव्यक्ति करने का अधिकार हो, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो, चाहे वो कमजोर तबका है, चाहे छोटी है, चाहे बड़ी है, जाति बिरादरी से कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटा बड़ा होता है अपने विचारों से, अपनी हैसियत से, अपनी शक्ति से, उस शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, कमजोर तबके को आगे लाने के लिए इस संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था की, इसमें कोई संदेह नहीं, और इन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष में भागीदारी अदा की, इसलिए आज अम्बेडकर जी की मूर्ति यही नहीं पूरे देश में सम्मान के साथ, बहुत सम्मानित नेता थे और 36 कौम के नेता थे। कोड की अगर बात करें, मंत्री जी महोदय का एक हमेशा से ये तय होता था,
कि किसी भी चुनाव के अंदर सभाएं होती थी या और कोई प्रोग्राम होता था तो वो हमेशा शाम का वक्त लाइट के साथ लोहरा में प्रोग्राम करते थे, श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए, जन जन के नेता मास्टर बहुलाल जी मेघवाल साहब को याद करते हुए, संबोधन के अगले क्रम में मनोज जी मेघवाल साहब को बुलाते हुए बाबा साहब की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित पूर्व प्रधान पुषाराम जी गोदारा, हमारे ब्लॉक देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विद्याधर जी बेनीवाल, हमारे आज का अवसर तो है बाबा साहब की मूर्ति अनावरण का, उससे पहले हालांकि प्रधान जी ने आपको धन्यवाद दे दिया, पर आज चुनाव के बाद मेरा भी पहली बार आपके यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। तो इस उपचुनाव में आपने जो साथ दिया, जो समर्थन दिया और जो इतनी बड़ी विजय दिलाकर मुझे विधानसभा भेजा, उसके लिए भी आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने, समाज के लोगों ने यहाँ बता रहे थे 1100 गज ये जमीन है जिसको देकर दान कर और उस पर बाबा साहब की मूर्ति लगवाई है। आज का तीसरा कार्यक्रम है तिवाड़ी जी खड़े हैं जिसमें भूमि दानदाता द्वारा दी गई है। बाबा साहब की मूर्ति लगे किसी की भी लगे, पर किसी की मूर्ति अपन क्यों लगाते हैं सबसे बड़ा सवाल यह है। तो इसके कारण दो तीन हैं। पहला तो यह है कि जो कोई मूर्ति लगी होती है तो कोई बच्चा जब देखता है उसको गांव के ग्वार में, गांव के बीच में मूर्ति लगी है तो जरूर वो पूछेगा, जब समझदार होगा कि ये कौन है तो आप बताओगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो ये पूछेगा इनकी मूर्ति यहाँ क्यों लगी है, किसने लगाई है, क्या है, तो आप उनको बताओगे कि बाबा साहब वो शख्सियत है जिन्होंने पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए लड़ा, संघर्ष किया, देश आजाद हुआ तो कैसे देश एक कानून में चले, कैसे देश एक ऐसी व्यवस्था में चले कि जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार हो, उस व्यवस्था में लगे। जब देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला मंत्रिमंडल बनाया तो उसमें देश का पहला कानून मंत्री बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कानून मंत्री तो बना दिया था, पर उससे पहले 300 लोगों के करीब एक कमेटी बनाई, एक समिति बनाई और जिसका काम था कि देश में आगे कैसे चलाया जाए, इसको देश चलाने की क्या व्यवस्था हो, कैसे अपना जो धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र देश है कैसे वो आगे चले। 200 देश है आज दुनिया में, हर देश के अलग अलग संविधान है पर हमारे हिंदुस्तान के अलग एक अलग स्थिति है। एक तो धर्मों का जहां तक बात है, हर धर्म कोई मानने वाला कोई है, कोई कोई धर्म वाला। दूसरा जातिवाद पूरे विश्व में कहीं सबसे ज्यादा है तो इस हिंदुस्तान में। तीसरा भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक छोर से दूसरे तक छोर तक जाए तो उत्तर में पहाड़ कश्मीर, तो दक्षिण में समुद्र के किनारे कन्याकुमारी, और चौथी सबसे बड़ी विमन्ना कि 12 कोस दूर चले जाओ तो भाषा बदल जाती है। और हालत यह है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाओ तो एक आदमी दूसरे आदमी की भाषा ही नहीं जानता, बात भी नहीं कर सकता, हर जगह की भाषा अलग है, महाराष्ट्र की अलग, गुजरात की अलग,
तमिलनाडु के अलग, केरल के अलग, उड़ीसा के अलग, बंगाल के अलग, आसाम के अलग, तो बहुत बड़ी उस समय थी। कोई आसान काम नहीं था कि पूरे देश को जवाहरलाल ने जो प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री बने, रियासतों का एकीकरण, इतने बड़े साम्राज्य को जहां भाषाएं अलग, जहां एक दूसरे का रहन सहन अलग, वहां कैसे एक सूत्र में बनाया जाए, कैसे एक सूत्र में एक कानून बनाया जाए। पर इस समिति को बनाया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बने, 2.5 साल तक इन्होंने काम किया और एक ऐसा संविधान बनाया कि आज आजादी के 75वां साल चल रहा है, उस कानून के बदौलत आज हर एक आदमी है जिसको बोलने की भी आजादी है, जिसको रहने की भी आजादी है, जिसको जीने की भी आजादी है, जिसको वोट देने का भी अधिकार है, जिसको अपना हर जो कहते हैं कि धर्म जात मानने का अधिकार है, किसी को किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, कानून के समय ये सब दिया तो बाबा साहब ने ये व्यवस्था करके दी। वोट का अधिकार दिलाया। एक समय वो था कि जब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा था, उसमें जनतंत्र लोकतंत्र लागू किया और जिसे जनतंत्र लोकतंत्र आज दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कही है तो वो इसी हिंदुस्तान में, और वो सिर्फ है उस संविधान के बदौलत। आप लोगों को बैठने का अधिकार दिया, विशेष तौर से गरीब, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, ये वो वर्ग था जो समाज के मुख्य धारे में नहीं था, बहुत दूर था, जिसको न किसी के पास बैठ सकता था वो, न किसी से बात कर सकता था, न किसी के यहां जा सकता था, उसको मुख्य धारा में लाए, एक समान अधिकार सबको दिया। आज कोई भेदभाव नहीं है कानून में। साथ ही बहुत बड़ा अधिकार देके गए, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे भाई हो, सबको बराबर एक वोट देने का अधिकार है। बहुत बड़ी चीज है। अमेरिका जैसा देश, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे ज्यादा विकसित देश, उसको भी महिलाओं को मतदान अधिकार देने में 150 साल लग गए थे। हमसे बहुत पहले आजाद, 300 साल पहले आजाद हो गया था, 17वीं शताब्दी में अमेरिका आजाद हो गया था, पर महिलाओं का अधिकार देने में, वोट का अधिकार देने में उनको भी 150 साल लगे, पर अपन को तो 1952 में जब पहला चुनाव हुआ उसी चुनाव में महिलाओं को भी बराबर का हक था, पुरुष को भी बराबर वोट देने का हक था। और साथ ही एक एक सी व्यवस्था की कि सबको पता था कि हिंदुस्तान कैसे चलेगा। इतना बड़ा देश है जिसमें गिनती के आदमी पढ़े लिखे हैं, कैसे ये देश चलेगा। बहुत बड़ी तादाद अपन लोगों की वो थी, ये कैसे मुख्य धारा में आएगी, तो उसकी व्यवस्था भी वो करके गए। नौकरी में भी आरक्षण किया, राजनीतिक आरक्षण भी दिया। नौकरी से आरक्षण देने से हुआ कि एक एक दो दो करके लोग आगे आए, मास्टर बने, पटवारी बने, एसडीएम तहसीलदार बने, कलेक्टर बनने लगे, धीरे धीरे करके आज चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, आज हर जगह इतना जबरदस्त कंपटीशन हो गया, चाहे आदिवासी हो, चाहे एससी वर्ग में भी जनरल के बराबर कंपटीशन आज हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने 75 साल पहले ही व्यवस्था करती थी कि धीरे धीरे से, आज तो दिक्कत है पर उनको पता था कि 20-50 साल बाद में ये हो जाएगा कि लोग हर घर में नौकरी करने के लिए आगे आएगा आदमी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहला नारा दिया संगठित बनो, पढ़ो, पढ़ाई का उन्हें नारा दिया सबसे बड़ा कि जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आज वही जो संविधान उन्होंने रचाया, जो संविधान बनाया, उसी संविधान के आधार पर
आज देश चल रहा है। यकीन मानिए, कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को भी है, कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को भी है, पर वो भी कोई एक भी ऐसा कानून नहीं बना सकते कि जो संविधान की मूल भावना है उस मूल भावना के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना सकते। अगर संविधान की मूल भावना के खिलाफ कोई कानून बन गया तो तुरंत निरस्त हो जाता है। इतनी बड़ी ताकत इस संविधान में है, जिस संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम थी। साथ रहता है वैसा ही व्यवहार होता है, ये अपन जानते हैं। रंग नहीं बदल सकता पर व्यवहार बदल सकता है। जो एक बच्चा यहाँ पैदा होता है वो मारवाड़ी बोलता है, जो शहर में पैदा होता है वो अपने आप हिंदी बोलने लगता है क्योंकि आसपास सब लोग हिंदी बोलते हैं। वो बच्चा जब इंग्लैंड में पैदा होता है तो अंग्रेजी बोलता है, तो वो कोई जन्म से सीख के थोड़ी आता है। जिस वातावरण में रहता है, जो अपने आसपास देखता है, जो परिवार में देखता है, जो अपने गली मोहल्लों में देखता है, जो गांव में देखता है, वो वैसा ही व्यवहार करता है। तो ये मूर्ति जब वो देखेगा, जब आप लोग बताओगे, जो देखेगा, जो आपसे सुनेगा, वो आने वाला वो वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए प्रतीकात्मक चीज होती है कि इनको देख के वो कुछ सीखे। और दूसरी चीज, इन महापुरुषों को देख के आप और हम ये देखें कि इन्होंने कितना संघर्ष करके इस देश को तैयार किया है, कितना उन्होंने बलिदान किया है, कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, या जिन भी महानों के जिस समय लगी है, ताकि हम उसको देख सके और ये सोच सके कि इन्होंने इतनी मेहनत करके इस देश को बनाया है, तो अपनी जिम्मेदारी है, अपने देश को तो नहीं कम से कम अपने गांव को तो वैसा बनाए। अगर अपना हर आप लोग अपने गांव को तैयार करेंगे, सुधार देंगे, मानिए हर गांव सुधर जाएगा तो पूरा देश सुधर जाएगा। गांव मैं तैयार हूँ आपकी उस भावना ने जो आपने अभी तक कही है उसके लिए, बिल्कुल आने वाले समय में जिस तरह से ये गाइड करेंगे, ये बताएंगे किस तरीके से ये कार्य अपना जो है वो भवन का हो सकता है, बिल्कुल आपका करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप लोगों ने आज जो हमें मान सम्मान दिया उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और साथ ही भूमिदान करने वाले दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी बदौलत जमीन मिली, और जिन जिन लोगों ने उसकी मूर्ति स्थापना यहाँ प्रतिष्ठा कराने के लिए सहयोग किया, उनके लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज इस गांव में पहला उद्घाटन किया उसके लिए विशेष रूप से रूपाराम जी जिन्होंने इस गांव के लिए भूमि दान की है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने स्कूल के खेल मैदान के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की, और बाकी आज इतने बढ़िया प्रोग्राम किया उसके लिए आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। ये था ग्राम लुवारा से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर आज आपने देखा विद्यालय के क्रमोन्नत का उद्घाटन विधायक के द्वारा किया गया, उसके अलावा गांव में जिस तरह की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई उन खेल मैदानों का उद्घाटन किया गया, उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण विधायक के द्वारा गांव में किया गया। बहुत ही अच्छा कार्य, लुवारा आदर्श ग्राम है, और विद्याधर जी बेनीवाल और उनके पुत्र सरपंच जी के द्वारा निश्चित रूप से इस गाँव के विकास में काफ़ी मेहनत की जा रही है, और मेहनत आज देखने को सामने आई। ऐसे अनुसार लगे मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।